और एक सबसे जरूरी बात, ठीक है, ये बहुत मुश्किल से मेरे को पता चली है, हालांकि किसी को पता। डिस्क्लेमर पहले आ रहा है कि कुछ भी कमेंट करने से पहले भाई एक बार वीडियो को देख लो, ठीक है, हड़बड़ी नहीं हो रही, क्वारंटाइन का टाइम है, कहीं कोई नहीं जा रहा, बैठे हुए हैं सारे, तो एक बार पूरी वीडियो देख लेना। कमेंट अभी भी खुला है, कमेंट 5 मिनट बाद भी खुला हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो देख लेना कि टॉपिक किस बारे में है और क्यों ये चीज है और कैसे हो सकती है। अगर फिर भी गलत लगे तो भाई कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, कर देना, ठीक है, पर एक चांस हमको भी मिलना चाहिए प्रूफ करने का। ठीक है, चलो, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है भाई साहब कि क्वारंटाइन में बैठे हैं, मैं भी बना बना के बोर हो चुका हूँ। ये चीज ना वाली जो साउंड है मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। बाकी देखो, आज का जो टॉपिक है वो ये है, जो मेन एक बार मैंने भी वीडियो निकाली थी, लिंक आ रहा होगा इधर या इधर, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेनली शायद इधर ही होगा या इधर, देख लेना यार आ गया होगा। तो जो मेन टॉपिक है वो ये है कि 1 लाख में हायाबुसा कैसे दिया सकती है। हाँ, जानना है तो वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है, देखना है कि तो उसमें क्या हुआ था। 1 लाख की भूसा ऐसे मिली थी, तो उसमें काफी कमेंट भी आए थे, मतलब मैंने उसे क्लियरली बता रखा है कि ऐसे 1 लाख की भूसा नहीं मिल सकती, और मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है। फिर भी लोगों ने कमेंट किया, तू देखो 1 लाख की भूसा। अबे भाई देख तो लो पहले पूरी वीडियो, ठीक है, फिर बता देना। भाई ऐसा था कि वो फर्स्ट जनरेशन हायाबूसा थी, फर्स्ट जनरेशन जो बिल्कुल सबसे पहले आई थी, धूम में आई थी, वो वाली थी, अभी वाली नहीं, अभी वाली थर्ड जनरेशन है, ठीक है, अभी वाली नहीं थी, क्लियरली बता रहा हूँ। अगर अभी वाली आप 10 लाख से नीचे भी लेते हो ना, तो थोड़ा संभाल के कदम उठाना कि कैसे और कहाँ क्या मिल रही है, ठीक है, थोड़ा देख पहचान के। और रही बात उस टाइम की, तो वो भाई फर्स्ट जनरेशन थी। और हाँ, जो अभी जो मेन सेकेंड हैंड बाइक की बात खुली है, तो ये खुली है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज भी पहली देते हैं। जब भी आप जाओ सेकेंड हैंड बाइक लेने, चाहे मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से लो, वहाँ से लो, ऐसे लो, वैसे लो, कुछ नहीं, जहाँ मर्जी लेने लो यार, मेरा नहीं, ठीक है, बट मेरा तब जाएगा जब आपका नुकसान में सौदा हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हल्की सी इंफॉर्मेशन ये कि अगर आप कहीं से भी, दिल्ली, बॉम्बे, फलाना, ढिमकाना, कहीं से भी लेते हो, एक भरोसेमंद मैकेनिक को साथ में ले जाना, ठीक है, और उसको बोलना चेक करने के लिए। अगर इतना भी नहीं तो ये तो कर ही लेना कि बाइक से ले जाके शोरूम से मैं पहले चेक कराऊंगा, चेक कराने के बाद डील डन करेंगे। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये 2-4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर ध्यान में रख लेना, वरना घाटे का सौदा पक्का है भाई साहब, ठीक है, और फिर मेरे को भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपने बात मानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो बाइक है, बाइक के नीचे जाके सबसे पहले ये देखना कि कहीं कोई वेल्डिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, जो उसका रेडिएटर है वहां पे वेल्डिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई वेल्डिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई पेच ढीला तो नहीं है, कहीं पे कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, ठीक है। और इसके सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले धीरे धीरे करके। और ये देखना कि उसका पेंट जो है एक्सीडेंट, वो दोबारा रिपेंटेड तो नहीं है, एक्सीडेंटल तो नहीं है भाई। तो उसके लिए क्या करना, कपड़ा लेना, कपड़े के बाद पेट्रोल का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं डिप कर लेके छीटा वीटा मार जाओ, जो मतलब जो भी समझ जाओ, ठीक है, और उसको थोड़ा रगड़ के देखना पेट्रोल पे। अगर ओरिजिनल पेंट होगा, कंपनी की तरफ से होगा या ओरिजिनल होगा, तो वो हिलेगा भी नहीं, वरना थोड़ा सुन पड़ जाएगा, थोड़ा डल पड़ जाएगा, वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसकी पेट्रोल की टंकी खोल के हाथ में कहीं लगा के, कहीं भी लगा देख लेना, ठीक है, काली हुई तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि फिर उसमें उसने ऑयल भी चेंज नहीं करा, मेंटेनेंस उसने बेकार रखी है। और क्योंकि ये देख लेना, क्योंकि यार जो छोटी मोटी बाइक नहीं है 200-300 cc की, ये भाई जो बाइक है वो बहुत बड़ी है। और अगर कोई भी आप सुपर बाइक के सेक्शन में जाते हो, तो कम से कम
आप 3-4 लाख मिनिमम छोटी से छोटी बाइक लोगे ना, सुपर बाइक होगी तो 2-3 लाख में तो क्या कम हो गया, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ सेकेंड हैंड सबसे वो भाई 3-4 लाख से नीचे कोई नहीं आती पहले बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत वर्स्ट केस में होगा। और 1 लाख वो जो मैं बताई थी वो फर्स्ट जनरेशन थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी थी, धूम के टाइम की थी, वो भी सेकेंड हैंड, तो उस केस में वो एक एक्सेप्शनल केस था, वरना आज के टाइम पे नहीं होता। तो आप और कम से कम 15-20 लाख तक तो खर्च कर रहे होगे, 3-4 से 15-20 हज़ार S1000 आ रहा है, गोल्ड विंग है, कोई भी है, अलंदर फंदर मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि वो सुन ना पड़े, वो कलर डल ना पड़े, ठीक है। और अगर डल पड़ता है या फिर उसका पेट्रोल टैंक है वो काला पड़ता है तो मतलब बहुत बेकार है। और एक सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, ये बहुत मुश्किल से मेरे को पता चली है, हालांकि किसी को पता, कि जो ये सुपर बाइक्स है ना, नहीं पहले इसके पहले एक और पॉइंट, जो आगे का जो वो होता है ना कहते हैं डिस्क पैड, उसमें देख लो लाइनें तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, लाइनें पड़ी हुई, गंदा तो नहीं है वो चीज़, क्योंकि अगर अगर आपसे वो उठा ली वाली गाड़ी उठा लोगे तो कुछ टाइम में ही 40,000 का खर्चा मांग लेगी, क्योंकि इनकी बाइक्स की मेंटेनेंस होती है हाई, ठीक है। और इनके डिस्क पैड उनके ये 200-300 रुपये में नहीं आते, हज़ारों में बातचीत होती है, उनसे नीचे बातचीत नहीं होती इनकी, ठीक है। इनके जो नट है ना उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है काफ़ी, मेरे ख्याल से जहाँ ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो अब जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इस वाले फील्ड में कई बंदे क्या करते हैं, जो बाइक ली, बाइक लेने के बाद बाइक का अगर इंजन ख़त्म है, इंजन ख़त्म होने के बाद बाइक धुआं छोड़ रही है, तो उसका क्या इलाज करते हैं, बाइक कराई रेडी, रेडी कराने के बाद अगर बाइक में 4-4.5 लीटर का नहीं 3.5 लीटर का वो डलता है, फॉर एग्जाम्पल हायाबुसा ले लो, 3.5 लीटर का उसमें डलता है इंजन ऑयल, इंजन ऑयल डालने के बाद 3.5 लीटर नहीं ये डालते हैं 1.5 लीटर या 2 लीटर आधा, ठीक है, आधा उसमें डाल देते हैं ग्रीस, ठीक है। ग्रीस डालने के बाद क्या होता है, इंजन का जो कचर पचर है, जो भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो खड़खड़ आवाज आती है, जो भी है वो सब हो जाती है बंद, ठीक है। बंद होने के बाद क्या होता है, बाइक हो जाती है रेडी, रेडी होने के बाद खड़े कर देते हैं, जब कस्टमर चलाता है कस्टमर को लगती है अच्छी, कभी कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई सब सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, खड़ी हो जाने, खड़े हो ले जाओगे, ले जाओगे 10-15 दिन के बाद वही असली रंग दिख जाएगा बाइक का, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रख लेना, जो बाइक में कई बार ऐसा भी होता है, तो इसलिए आप इंजन नहीं खोल सकते, आप सब चीज़ें नहीं कर सकते, एक कोई इन्फॉर्मेटिव आदमी होना चाहिए जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो सोच लो अगर आप कोई बंदा इतना टेक्निकल स्टफ जानता है तो वो क्या क्या नहीं कर सकता होगा, मैं तो अभी छोटा सा हिंट ही दिया है, बाकी मार्केट में क्या हो रहा है भाई, हर चीज़ इस वक्त बहुत आगे बढ़ चुकी है, चीटिंग से लेकर सब चीज़ें, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है, किसी को भी नहीं कर रहा, मैं बस आपको चाहता हूँ कि आप जो है इन्फॉर्मेशन गेन करके जाए मेरे चैनल से, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करना है, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना आ रहा साले पर चला दो, मतलब कर दो कुछ सर, कर ये उसको दबा के बेल आइकन दबा देना, ऐसे कर करता रहे, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हायाबुसा पे बैन क्यों लगा था, एक बैन हायाबुसा क्रैश हुई, वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसका भी लिंक इधर आ गया होगा, वो भी देख लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरे चैनल पे आके थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन गेन करते हो आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना। अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है इसलिए थोड़ी वीडियो थोड़ी शायद हल्की आ रही होगी, लेकिन जैसे ही क्वारंटाइन खोलेगा एडिटिंग में भाई फॉक देगा, ठीक है, उस क्योंकि अभी भी क्वारंटाइन है तो घर बैठ कर मेरे लिए नहीं है, हम सीख रहे हैं सब कुछ, वो भी आपके लिए, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट तो आपकी तरफ से भी बनता है ना, ठीक है, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो चलो सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।